गोरखपुर विश्वविद्यालय में चल रहे स्नातक के विभिन्न विषयों की प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत शुक्रवार को पहली पाली में बीजे एवं पीजी डिप्लोमा इन न्यू मीडिया, पीजी डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन और पीजी डिप्लोमा इन फिल्म प्रोडक्शन की प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन हुआ, जिसमें 163 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें 126 अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए जबकि 37 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दिया। दूसरी पाली में एमएससी जूलॉजी और एमएससी एक्वा कल्चर की प्रवेश परीक्षा का आयोजन हुआ। प्रवेश परीक्षा के लिए कुल 743 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें 661 अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए जबकि 82 विद्यार्थियों ने प्रवेश परीक्षा को छोड़ दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अभ्यर्थी अर्पित कुमार, अनन्या मिश्रा, प्रज्ञा पांडे, अंजलि मिश्रा, पूजा गुप्ता ने कहा, मेरा नाम अर्पित है, अर्पित कुमार। पेपर तो अच्छा ही था, हम अपना जो भी हमने पढ़ा था वो कर लिया। क्या मतलब रहा लगभग, ये तो उम्मीद नहीं लग रहा है, मतलब सिलेक्शन होने वाले। अनन्या मिश्रा, पेपर किस तरह आया था? अच्छा आया था। कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन थे? पॉलिटिक्स से था और ये न्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, क्योंकि बीजे है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। बस अच्छा आया था, मेरा बहुत अच्छा नहीं गया है बस यही है और कुछ नहीं। प्रज्ञा भाई पांडे, पेपर तो अच्छा आया था। पेपर वाइज क्या था, करंट अफेयर्स? ये करंट अफेयर्स और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो और पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे। क्या लग रहा है? लग रहा है निकल जाएगा, पर सीट के हिसाब से देखते हैं। अंजलि मिश्रा, पेपर कितना अच्छा आया था? पेपर हाँ पॉलिटिक्स से था, करेंट से था और बुक से रिलेटेड था, मतलब कौन लोग बुक लिखे हैं ये सब ऐसे क्वेश्चंस थे, अच्छे थे क्वेश्चंस। पूजा गुप्ता, पेपर सभी प्रकार थे, जीएस थे, हिस्ट्री थे, पॉलिटी थे और बीजे से रिलेटेड क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन अच्छे हुए, पेपर अच्छा हुआ है।